देखते हैं हम लोग संधि के अंतर्गत अभी तक हमने कौन सी संधि देखी थी। सबसे पहले अक संधि, अक में लो आकार सवर्ण दीर्घ, तो इसका मतलब हमने अभी क्या देखी है दीर्घ संधि। अब हमें देखनी है कौन सी संधि, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र पता है क्या होता है, सबका आद गुणा, आद गुणा, इसका सूत्र होता है आद गुणा। तो ये सूत्र कह क्या रहा है, सूत्र कह रहा है अगर आ आद में हो तो गुण हो जाता है, तो आ आद में किसके आद में हो, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम पद, प्रथम पद में क्या हो आ अथवा बड़ा आ हो तो गुण हो जाता है, तो किसका गुण हो जाता है, ये कह रहा है आ आद में तो गुण हो जाता है। तो इस सूत्र के द्वारा हमें समझ में आता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण थे, अक में कौन थे आ ई ऊ ऋ और ऋ वर्ण था, ऐसा ही था। तो प्रथम पद में ये हो गया, और सेकंड पद में कौन सा वर्ण होगा हमारा, अगर दूसरे में आ जाए आ आदि में हो गया, पहले में तो शेष कितने बचे, चार वर्ण बचे ई ऊ ऋ और ऋ वर्ण हमारा शेष रह जाता है। तो कहते हैं कि अगर आ और ई मिलता है तो उसका गुण रूप बन जाता है, तो गुण क्या होगा, अच्छा ई की जगह पर आपको दोनों ही हो सकती है, उनकी जगह पर भी दोनों ही होंगे, तो आ धन ई। अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं, आ धन ई के निर्माण से क्या बनता है, ए बनता है। आ और ऊ का निर्माण किस वर्ण का करते हैं, ओ। ठीक इसी तरह से आ और री मिलकर किस वर्ण का निर्माण करते हैं, हर। और आ तथा ली मिलकर अल वर्ण का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब गुण क्या हो जाता है, ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, ली का अल हो जाता है, और ली का अल हो जाता है, ये हो जाता है। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तो इधर क्या है आ है, प्रथम पद में क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट पद है, और ये सेकंड पद है, फर्स्ट के अंत, फर्स्ट के अंत में क्या है आ है, और इधर क्या है ई है। तो आ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर शेष हमारा क्या बचेगा, पा हलंत के साथ बचेगा, क्योंकि इससे आ क्या हो गया, निकल कर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर शेष हमारा रूप क्या बचेगा, केवल द्र बचेगा, और इन दोनों ने किसका निर्माण किया है, ए का निर्माण किया, तो ए यहाँ पर किया जाएगा। अब क्या होता है, इधर क्या है व्यंजन वर्ण है और इधर स्वर वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जाएगा, तो जैसे ही मिसरण को हटाएंगे तुरंत ए जो है अपने रूप को त्याग देगा, रूप को त्याग कर ये मात्रा के रूप में परिवर्तित होते हुए पापर आ जाएगा, और रूप हमारा क्या निष्पन्न होगा, उपेंद्र। उपेंद्र क्या होगा, उपेंद्र बोलो, उपेंद्र। ठीक है, इसी तरह से और कोई उदाहरण अगर आपके दिमाग में आ रहा है बोलो, क्या है जैसे अगर हम पहले उनका देख लेते हैं, जैसे जैसे सूर्य धन उदय, बहुत सुंदर सूर्य धन उदय, ठीक इधर क्या है आ है, धन इधर क्या है ऊ है, क्या हुआ, तो आ और ऊ मिलकर किसे निर्मित करते हैं, ओ को निर्मित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सूर्य में यह क्या हो गया, हलंत हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, दया बचा, आगमन किसका हुआ, ओ का हुआ। कितनी बात समझ में आ रही है, हलंत हटेगा, रूप घटेगा, मात्रा बढ़ेगी, जब मात्रा बढ़े तो क्या है यहाँ पर आ गया, और रूप हमारा क्या निष्पन्न हुआ, सूर्योदय। ठीक है, इसी तरह से अगला आप देख लेते हैं उदाहरण है री का, जैसे महाधन ऋषि, क्या है महाधन ऋषि, तो इधर क्या है आ है, धन इधर क्या है ऋ है, तो मिलकर क्या रूप बनाते हैं, आर। इतनी जल्दी महर्षि बन गया, अरे आर का ना, आर का क्या हुआ, यहाँ पर महा हलंत बचा, क्यों आ हमारा कहाँ चला गया,
तो यहाँ पर शेष क्या बचा, शी बचा, क्यों? क्योंकि री भी उधर चल गया, आ और री ने मिलकर किसका निर्माण किया, अर का निर्माण किया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हा भी अनंत, हा अनंत है, उसके बाद में मतलब पहले व्यंजन हरंत है, फिर स्वर है, फिर व्यंजन हरंत है, उसके बाद भी स्वर नहीं है, या तो लग रहा है शाके बाद में है, ये कहाँ है, शाके बाद में है, तो इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर व्यंजन हो जाएंगे, लेकिन हा व्यंजन के बाद में आ स्वर मिल रहा है, इसलिए ये हरंत करेगा, चूंकि छोटा है कोई मात्रा तो बनेगी नहीं इसकी, तो सीधे सीधे इसका रूप हा पूरा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा वर्ण बचा है केवल रा, वो भी अनंत के साथ में, तो एक एक आ और रा दो वर्ण थे ना, आ तो आगे चला गया तो रा अब पीछे जाएगा, तो पीछे जब जाएगा तो ये बीच से रा कटेगा और ये पलट जाएगा, तो शेष कितना हिस्सा बचा इसका, इतना बचेगा ना, तो जब इतना हिस्सा बचा तो यही हिस्सा उठाकर कहाँ लगा देना है, यहाँ से कटा ये पलट गया, पलट कर ये हिस्सा हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर शाप में लगा दिया जाएगा, तो ये रूप हमारा क्या तैयार हो गया, महर्षि तैयार हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर री का उदाहरण देखते हैं हम, तो क्या बनेगा, जैसे तब धन लिका, तब धन लिका, तो यहाँ पर क्या है, आ है, धन इधर क्या है, री है, आ और री मिलकर क्या निर्माण करते हैं, अल का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, तब अनंत बचेगा और इधर क्या बचेगा, कार बचेगा, आगमन किसका हुआ, अल का हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, अलंत वा का हल करता है, आ अपने रूप को त्याग कर वा को पूरा कर देता है केवल, अब चूंकि इधर भी व्यंजन है उधर भी व्यंजन है पहले की तरह ही, तो इसमें क्या होगा, सीधे सीधे ला का हलंत हटेगा और क्या हो जाएगा, ला का ही ये डंडा जो है ये घट जाएगा और रूप हमारा क्या निष्पन्न होगा, तबल का। तो गुण संधि में कोई समस्या तो नहीं है, अच्छे से समझ लिया, क्या होगा,